हेलो दोस्तों, कर्णवीर की टीम ने जीता टाइम कोड का टास्क। रजत और अविनाश ने हुई धक्का मुक्की और विवियान को लगी चोट। बिग बॉस सीजन 18 में आए दिन कोई ना कोई हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते एपिसोड में जहां चार घर वाले नॉमिनेट हुए हैं, वहीं आज 6 नवंबर के एपिसोड में नए टाइम कोड के लिए चुनाव के दौरान हाथापाई जैसी चीज़ें देखने को मिली। रजत दलाल ने विवियन और अविनाश को पटकनी दी, साथ ही सारा भी अपना आपा खोती हुई दिखाई दी। उन्हें भी सामान उठाकर कंटेंट्स पर फेंका, जिसके बाद क्या एक्शन लिया गया ये जानते हैं। रजत ने कहा कि 10 साल में जो तुमने बनाया होगा वो सब यहाँ उतार कर जाऊँगा। तभी अविनाश भी बीच में आ गया। विवियन ने चाहत को कहा कि जूनियर आर्टिस्ट तो वो बढ़ के गई। उन्हें कहा कि तू चुप रह फटा बांस। चाहत ने कहा कि विवियन तुम अपनी इज्जत दिलवाने आए हो यहाँ। 8 साल से ना आने का फैसला सही था, लेकिन अब गलत फैसला ले लिया। इधर विवियन की श्रुति का नकल उतारती हुई नजर आई कि कैसे उनके दोस्त उनसे पूछ कर सब काम करते हैं। इसके बाद अविनाश और रजत में बहस शुरू हो गई और बात बात पर हाथापाई पहुंच गई। दोनों को रोकने के लिए बीच में लोग आते हैं। ईशा इस दौरान गिर जाती है। इसके बाद एलिस बताती है कि ये काफ़ी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। रजत ने कहा कि जब भी कोई लड़े तो लड़कियों को बीच में नहीं आना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा लगता है। घर में आर का रजत, विवियन, अविनाश, चाहत। इसके लिए एक लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब।